नमस्कार दोस्तों, बी टाउन हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे फुकरे 3 मूवी के फर्स्ट डे के बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारा वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देखते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कल है 28 सितंबर 2023 और एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने के लिए एक साथ 3 मूवी रिलीज करने जा रहे हैं अलग अलग डायरेक्टर। फुकरे 3, द वैक्सीन वॉर और चंद्रमुखी 2 मूवी, ये तीनों फिल्में अलग अलग जॉनर की है। रविवार से ही उनकी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है और जल्द ही दर्शकों का फैसला सामने आ जाएगा। अब ये तीनों फिल्मों को रिलीज होने में बस थोड़े ही घंटे बाकी है। फुकरे 3 और द वैक्सीन वॉर एक ही दिन गुरुवार को रिलीज होगी और साथ में चंद्रमुखी 2 भी गुरुवार को ही रिलीज होने वाली है। लेकिन जो फुकरे 3 और द वैक्सीन वॉर मूवी है वो मीडियम बजट की फिल्म है। बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन दिखाते हैं कि फुकरे 3 इस रेस में आगे है। वीकेंड तक फिल्म अच्छी पकड़ बनाए रखेगी। इससे पहले तो ये भी न्यूज आया था कि प्रभास की मूवी सलार भी रिलीज होने वाली थी ये 28 सितंबर को, लेकिन इस मूवी को आगे खिसकाया गया। नहीं तो इस बार बॉक्स ऑफिस पर 4 मूवी का धमाका होता। आगे जाने की डेट की वजह से 3 फिल्मों को बहुत ही फायदा रहने वाला है। फुकरे 3 के फर्स्ट डे के ओपनिंग पर प्रेडिक्शन के बारे में बात की जाए तो 8 से 10 करोड़ का बिजनेस कर सकती है और वीकेंड पर इसका कुल कलेक्शन 30 से 35 करोड़ तक जा सकता है, जो कि वाकई में बहुत ही अच्छा है। इस फुकरे 3 में पंकज त्रिपाठी, वरुण शर्मा, पुलकित सम्राट, ऋचा चड्ढा, मनजोत सिंह देखने को मिलेंगे। ये मूवी एक कॉमेडी मूवी है। तो दोस्तों, आप भी फुकरे 3 मूवी के आगे के डे बाय डे कलेक्शन जानने के लिए बी टाउन हब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।